आज मैं शुरू करने वाला हूँ अपना नया माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड, या आई मीन 1.18 आया है तो ये शुरू करना ही पड़ेगा ना। तो एवरीथिंग डिफॉल्ट रख के हम अपना नया वर्ल्ड शुरू करते हैं। तो नए वर्ल्ड को नाम क्या दें? यू नो, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो यूनिक नाम हो जिससे हमें वो इंस्पायर करे ये गेम खेलने को। तो मैं अभी जो नाम रखने वाला हूँ वो बहुत यूनिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे ही जहाँ पर भी स्पॉन हो, सबसे पहले उस जगह के कोऑर्डिनेट्स लिख लो जो यहाँ पे अभी दिख रहे हैं बाजू में। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ यहाँ वहाँ, और वो मुझे मेरे स्पॉन के बाजू में ही विलेज मिल गया। अच्छी बात है, हम उस विलेज में जाके थोड़ा सा लूट सकते हैं, बेड एंड फूड जो स्टार्टिंग की चीज़ें वो ले लेंगे। सो ये रहा बेड, सो बेड ले लिया। ओ लिटिल बिट लैगिंग बट दैट्स फाइन। सो बेड ले लिया एंड देन हम बाकी के घरों में जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है, फूड वगैरह। तो हमें यहाँ पे मिल गए लेदर बूट्स, चलो उसे पहन लेते हैं। हमारे पहले आर्मर, लेदर भी आर्मर होता है काइंड ऑफ, तो पहला आर्मर। उसके बाद और चीज़ें ढूंढते हैं जैसे ये या एप्पल्स एंड ऑल, ठीक है ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास खाना है, बेड है और रहने के लिए जगह है। तो मैं थोड़ा सा मैप घूम लेता हूँ। ओ और एक विलेज, ओके वेट, ये जॉम्बी विलेज है, जॉम्बी विलेज जहाँ पे जॉम्बी होते हैं। सो अभी तो मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं क्योंकि अभी सुबह है और उनके पास जाए तो वो जल जाएंगे। सो उनका हम बाद में यूज़ करेंगे जॉम्बी विलेजर्स का। तो अभी हमें ढूंढनी है अपने बेस के लिए जगह। तो काइंड ऑफ ये जगह मुझे अच्छी लग रही है बिकॉज यहाँ पे ओशन है, उस तरफ शायद से हम स्पॉन हुए हैं। यहाँ पे विलेज है और यहाँ पे हमारा जॉम्बी विलेज है। तो ये जगह काइंड ऑफ ऐसा सेंटर पॉइंट है, तो सोच रहा हूँ यहीं पे अपना बेस बना लूँ। तो पहले हम कुछ इस तरह अपना वुड इकट्ठा कर लेते हैं, या मैं अपने हाथ से मार रहा हूँ, ब्रेड से, पर स्टार्टिंग में हमें वैसे ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम अपना पहला क्राफ्टिंग टेबल बना देंगे। सो कुछ इस तरह का से क्राफ्टिंग टेबल बनता है। वो बनने के बाद थोड़े से स्टिक्स बना देंगे एंड देन क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रख के हम अपना पहला वुडन एक्स बना लिया हमने। तो अब हमें चाहिए आयन। आयन के लिए हमें इस आयन गोलेम को मारना पड़ेगा एक बार, फिर भागो, जोर से भागो क्योंकि उसके एक पन से ही आप मर जाओगे। सो थोड़ा सा दूर जाके तीन टर्ड ब्लॉक का एक टावर बना लो। या क्यों मेरा के उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। वेट, मैं फिर से उसके पास जाऊँगा। जैसे ही पास जाऊँगा ये आया वो वापस आ गया। सो पीछे हो जाओ और थोड़ा सा एक टावर बना लो टर्ड ब्लॉक का, तीन ब्लॉक्स यूज़ करके एंड देन उसको मारते बैठो। और मेरे सारे टूल्स टूट गए, कोई बात नहीं, हमें आयन मिल गया है आयन गोलेम को मार के। और हम अपना पहला पिकैक्स बनाएंगे, आयन पिकैक्स, या यू कैन मेक स्टोन पिकैक्स आल्सो बट लेट्स गो आयन पिकैक्स। आई डोंट हैव स्टिक्स, ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले स्टिक्स बनाओ ऐसे एंड देन पिकैक्स। सो ये बन गया हमारा पहला आयन पिकैक्स। ओके अभी हमें मिल गए कुछ बेरीज। तो ये बेरीज बहुत अच्छी होती है बट इससे संभल के रहना क्योंकि ये डैमेज करती है। तो ये स्टार्टिंग के लिए फूड बहुत अच्छा है बेरीज। तो थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ जितनी मिल सके उतनी। और वेट, उनके ऊपर मत चलो कभी भी क्योंकि वो डैमेज करती है कुछ इस तरह, या जैसे अभी मुझे डैमेज हुआ। ओके और एक ये बेरीज मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। पिलेजर आउटपोस्ट मेरे स्पॉन के कितने पास है ये पिलेजर आउटपोस्ट। वाओ कितना लकी हूँ मैं। ओके एक पिलेजर मेरे पीछे पड़ गया है तो मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि उसके एक एक हिट से ही मुझे बहुत डैमेज मिलेगा। सो भागो। ओह माय गॉश वो स्टिल मेरे पीछे है। ओके प्लीज़ मुझे मारना मत, प्लीज़। हो मैं बहुत लकी हूँ इस सर्वर में, मुझे पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया। देखो वो स्टिल मेरा पीछा कर रहा है। वाओ इन झाड़ियों के पीछे कहीं पे तो मैं स्पॉन हुआ हूँ और मुझे पिलेजर आउटपोस्ट भी मिल गया। कितने पास है वो मेरे स्पॉन के,
देखो ये सर्वर ना बहुत ओपी लगता है मेरे लिए, जॉम्बी विलेज, ये विलेजर आउटपोस्ट विलेज सब कुछ ऐसे पास पास है। वाओ इतना लकी तो मैं कभी नहीं रहा हूँ यार। तो अभी ना थोड़ा सा कोल फार्म कर लेते हैं, बिकॉज कोल से हमें मिलता है व्हाट इट इज़ कॉल्ड फायर। सो कोल हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे केव भी है बहुत बड़ी, तो इसे भी बाद में हम एक्सप्लोर कर लेंगे। फिलहाल तो हम लाइक बाहर बाहर की चीज़ें ही देखते हैं। तो ठीक है कोल ले लेते हैं फटाफट से। सो मैं ऑफ कैमरा थोड़ी सी रिसोर्स हंटिंग कर रहा था, और देखो मुझे ब्लैक कैट मिल गई, कितनी मस्त लग रही है, और ये मेरी ना स्किन के साथ मैच हो रही है। हम दोनों तो टोटली रॉक करने वाले हैं इस सर्वर पे, मेरा पहला पेट है ये। बाय द वे कमेंट सेक्शन में बता दो मैं इस कैट का नाम क्या रखूँ, और या ये भी बता दो कि मेरी स्किन कौन सी पहनी है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, देखते हैं किसको मालूम है। ओ ओके वॉन्ट ट्रेडर, इनका भी यूज़ होता है बट फिलहाल तो इनका कोई यूज़ नहीं, सो बाय बाय नहीं चाहिए तू। वो मेरी कैट, वाह मुझे फाइनली ब्लैक कैट मिल गई है, लेट्स गो। तो अभी हमें बनाना है अपना बेस, लाइक मेरा स्टार्टर हाउस, नॉट लाइक बेस। सो सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना स्टार्टर हाउस बना लूँ, क्योंकि ये पूरा सेंटर है विलेज का, जॉम्बी विलेज का, और उस पूरे विलेजर आउटपोस्ट का। सो ये मेरा हाउस बन गया। ये मेरी कैट, इसका नाम प्लीज़ बता दो, कुछ तो अच्छा सा नाम बता दो। और यू नो अगर हम सो जाए कैट को फ्री करके तो वो हमारे साथ सो जाती है, एंड हमें ये देखो मुझे गिफ्ट दे दिया उसने जब उठे, तो कैट्स बहुत यूज़फुल होती है। सो दैट्स इट आज के लिए, बस इतना ही। होप यू लाइक माय वीडियो।